दोस्तों अपने को स्टार के साथ लड़ाई झगड़े करने में सनी देओल का नाम नंबर वन है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि सनी का नाम किसी लव ट्रायंगल में आया हो। हालांकि डिंपल के साथ सनी का काफी लंबे समय तक लव अफेयर चला था, लेकिन ये मामला इस चीज से थोड़ा अलग था। सनी और डिंपल के बारे में तो सबको पता था, इसलिए सभी अभिनेत्रियां उनसे दूर ही रहती थी। लेकिन एक बार रवीना टंडन ने अक्षय कुमार से अपना हिसाब चुकता करने के लिए सनी पर अपने प्यार का जाल फेंक दिया और इस चक्कर में अक्षय सनी के हाथों पीटते पीटते बच गए। साल 1997 में सनी देओल रवीना के साथ फिल्म जिद्दी में काम कर रहे थे, लेकिन रवीना का उन दिनों अक्षय कुमार से ब्रेकअप नहीं हुआ था। लेकिन खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म के दौरान रेखा से अक्षय कुमार की बढ़ती नजदीकियों के कारण रवीना उनसे काफी चिढ़ने लगी थी। और फिर क्या था, शूटिंग के दौरान ही रवीना और सनी की नजदीकियां बढ़ने लगी और इन दोनों का रोमांस पर्दे पर ही शुरू हो गया। जब इस बात की खबर अक्षय को लगी तो वे रवीना से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने उनसे बातें करने भी बंद कर दी और एक दिन गुस्से में आकर फिल्म सेट पर ही पहुंच गए। सेट पर रवीना और सनी को एक साथ बैठे देखकर अक्षय कुमार का पारा चढ़ गया और अक्षय रवीना का हाथ पकड़कर खींचते चले गए, लेकिन रवीना उनका खूब विरोध करने लगी। तो फिर सनी ने जब देखा कि रवीना अक्षय के साथ जाना ही नहीं चाहती है, तो अक्षय सनी से ही उलझ गए और अक्षय की इस हिमाकत से सनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और सनी ने गुस्से में आकर अक्षय की कलाई पकड़ ली। इससे पहले कि बात ज्यादा बढ़ती तो गुड्डू धनोवा इन दोनों के बीच में आ गए और इस मामले को सुलझा दिया। अगर धनोवा इन दोनों के बीच में ना आते तो सनी के हाथों अक्षय कुमार का पीटना तो तय था, क्योंकि गुड्डू धनोवा सनी के नजदीकी रिश्तेदार थे, इसलिए उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं टाली और कुछ देर बाद वहां से अक्षय कुमार भी गुस्से में चले गए। तो दोस्तों आप सभी इन दोनों के लड़ाई झगड़ों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।